अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आईटल P17 Pro मॉडल है इसका। तो दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये पिन और पैटर्न लॉक लगा हुआ है जिसको आज हम रिमूव करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका आपने पिन और पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करना है और इसको आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है और इसका आपने फैक्ट्री डाटा हार्ड रीसेट कैसे करना है। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनमाई कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि इसका आपने पिन और पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करना है, इसको अपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है और इसका अपने फैक्ट्री डाटा हार्ड रीसेट कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऑन ऑफ की है, इसको आपने प्रेस करके रखना है, इस तरीके से आपने इसकी पावर को ऑफ कर लेना है। अब यहाँ पर आपने 10 से 15 सेकंड स्टे करना है जब तक आपका फ़ोन मुकम्मल ऑफ नहीं हो जाता। तो अब यहाँ पर आपने इसका वॉल्यूम डाउन का बटन है, इसको आपने मुसलसल प्रेस करके रखना है और यहाँ पर इसका ऑन ऑफ की है, इसको आपने प्रेस करना है। तो जैसे ही आपके फ़ोन का पावर ऑन हो आपने पावर की को छोड़ देना है। इस तरीके से अब आपने वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करके रखना है जब तक आपका फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं चला जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फ़ोन रिकवरी मोड में चला गया और आपने वॉल्यूम डाउन का बटन भी आपने छोड़ देना है। अब आपने यहाँ पर इसको वॉल्यूम डाउन की मदद से यहाँ पर इसका वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने लेकर आना है और यहाँ पर इसका ऑन ऑफ की आपने प्रेस करना है। तो यहाँ पर कैंसल और फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन आएगा, तो आपने वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके इसको फैक्ट्री डाटा रीसेट के ऊपर लेकर आना है। अब आपने यहाँ पर इसका ऑन ऑफ की प्रेस करना है तो आपका जो वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है वो कम्प्लीट होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं आपका जो वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपने यहां पर फर्स्ट पर रीबूट सिस्टम नाउ का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने ऑन ऑफ की को प्रेस करना है इस तरीके से और इसको आपने रीबूट करवा लेना है। अब यहां पर आपने इंतज़ार करना है जब तक आपका मोबाइल मुकम्मल ऑन नहीं हो जाता। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ही हमारा ये मोबाइल मुकम्मल ऑन होता है मैं दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों ये हमारा मोबाइल मुकम्मल ऑन हो गया है। अब आपने यहाँ पर इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आप जिस कंट्री से हैं आपने उस कंट्री की लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर स्टार्ट का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर आपके फ़ोन के अंदर सिम होगी तो यहाँ पर पिकअप कर लेगा, नहीं होगी तो यहाँ पर आपका स्किप का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब अगर आप यहाँ पर वाईफाई लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। अब आपने यहाँ पर टाइम और डेट सेट करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने मोर के बटन पर क्लिक करना है, फिर एक मरतबा मोर के बटन पर क्लिक करना है। अब आपने एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करना है।
तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया आईटेल P17 प्रो का आपने पिन और पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करना है, इसको आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना और इसका आपने फैक्ट्री डाटा हार्ड रीसेट कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।